बॉलीवुड की हवा हवाई क्वीन यानी कि श्रीदेवी इस दुनिया में अब भले ही ना, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, ये आप भी जानते हैं। और यही वजह है कि श्रीदेवी अपने परिवार की यादों में अब भी बसी हुई है। अब भी उनकी यादों को समेट कर उनके पति बोनी कपूर, उनकी दोनों ही बेटियां खुशी कपूर और जानवी कपूर से लेकर पूरा कपूर फैमिली, पूरा कपूर परिवार उन्हें लेकर बातें करता है, इमोशनल मैसेजेस शेयर करता है। लेकिन जो बेटियां अधूरी रह गई अपनी माँ के बिना, तन्हा रह गई जिंदगी भर अपनी माँ की कमी को सहने के लिए मजबूर हो गई, वो बेटियां अपनी माँ की एक कमी को छुपाती थी, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। गौर हो, 4 महीने पहले जिस श्रीदेवी ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, बाथटब में दम तोड़कर उस श्रीदेवी से पहले उस बाथटब में, जी हाँ बाथटब में एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग का शिकार 90 लोग हुए थे, अमेरिकन रिसर्च का ये कहना है, जिससे लेकर पुष्टि भी की गई थी। कुछ रिपोर्ट सामने आए थे, सर्वे के मुताबिक बाथटब में 3 वजह से 90 लोगों की जान जाने की रिकॉर्ड बनी हुई है, जिसे लेकर कई रिपोर्ट वायरल भी हुई थी। लेकिन बात की जाए सिर्फ श्रीदेवी के परिवार की, तो उनके परिवार को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि श्रीदेवी को चलने में तकलीफ हुआ करती थी, अपने कदम को काफी ज्यादा संभाल कर आगे बढ़ाती थी। श्रीदेवी 54 की उम्र में अपनी बेटियों से लेकर अपने परिवार का खास कर वो सहारा लेती थी, किसी भी वक्त मीडिया के सामने स्टेज पर जाने के लिए, इवेंट और फंक्शन पर चलने के लिए। लेकिन श्रीदेवी को फिर भी 2 दिनों के लिए अकेला दुबई में छोड़ा गया, जहां उनका परिवार उनके साथ उस वक्त मौजूद नहीं था। ये बात अलग है कि बोनी कपूर अचानक आखिरी रात, श्रीदेवी की आखिरी रात को उनके पास उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन जिन्हें तमाम तरह की दवाइयां खाने की आदत थी, उन्हें भूलने की भी बीमारी, ये सच जब सामने आया मीडिया रिपोर्ट के जरिए, तो और भी ज्यादा सवाल उठा कपूर परिवार, क्या वाकई में श्रीदेवी की बेटी जानवी और खुशी ये बात जानती थी कि श्रीदेवी के साथ ऐसा हादसा कभी भी किसी वक्त हो सकता है अगर उनके साथ लापरवाही की जाए। लेकिन ये सिर्फ सवाल रह गया, श्रीदेवी जिस तरह चली गई, उनके निधन की गुत्थी इसी तरह अनसुलझी ही रह गई, जिस पर तमाम तरह की बातें होती। कहा जाता है अब ये भी, अगर वो दोनों साथ होती बेटियां श्रीदेवी के, तो शायद श्रीदेवी दुबई से जिंदा वापस लौट आ सकती थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।